जानेंगे कि इस कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स का बाजार किस तरह रह सकता है और किस तरह दिखने मिल सकता है। शुरुआत बुलियन से करते हैं यानी गोल्ड और सिल्वर। हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही काफ़ी शानदार तेज़ी देखने मिली पिछले हफ्ते में, जहां गोल्ड ने 48,200 के ऊपर के हाइस दिखाए, वहीं पर चांदी ने भी लगभग तीन हफ्तों की ऊंचाई को छुआ, 66,200 के ऊपर के लेवल देखने मिले। हालांकि जो क्लोजिंग आई हफ्ते की वो 47,800 के करीब गोल्ड में देखने मिली M6 पर, जबकि M6 सिल्वर जो है वो 65,800 यानी हाइस के थोड़े ही दूर क्लोजिंग दे पाया। तो पूरे हफ्ते में हमने देखा कि स्टडी एक मूवमेंट हमें स्पॉट गोल्ड में देखने मिली, और पिछले हफ्ते में हमने ये कवर किया था कि 1750 से 1760 के रीजन में भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हमने ब्रीफली प्राइजेस को फ्राइडे के दिन $1,815 के करीब जाते हुए देखा स्पॉट गोल्ड में, और चांदी भी $25 के करीब जाने में कामयाब हुई। हमने पिछले हफ्ते यही कहा था कि $24.80 यानी $24.8 स्पॉट में देखने मिल सकता है, तो वो जो लक्ष्य है वो हासिल हो चुका है, और उसके बाद एक मुनाफा वसूली का दौर भी हमने देखा। खैर, इस चीज़ का ट्रिगर जो था वो फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल की जो स्टेटमेंट थी कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर US में जो है वो आने वाले साल के कुछ महीनों तक एक्सटेंड हो सकती है ऊपरी स्तरों पे। सेकेंडली, एक तरह से उन्होंने टेपरिंग यानी लिक्विडिटी जो वापस ली जाती है या कम उसकी मात्रा कम की जाती है, क्योंकि $120 बिलियन के बॉन्ड परचेजेस हो रहे हैं हर महीने, उसके बदले ये कहा जा रहा है या अटकलें लगाई जा रही है कि $105 बिलियन के जो बॉन्ड्स है वो बाय करेंगे, यानी $15 बिलियन प्रति महीने की लिक्विडिटी बाज़ार में कम दी जाएगी। तो इसके बाद हमने डॉलर में हल्की सी तेज़ी आते हुए देखी, और साथ ही साथ ऊपरी स्तरों से गोल्ड और सिल्वर फिसलते हुए देखे, लेकिन जो हफ्ते का क्लोज है वो डेफिनेटली पॉजिटिव क्लोज दिया है और गेंस के साथ क्लोज दिया है। तो आने वाले हफ्ते में भी मैं यही मेंटेन करूँगा कि जो भी डिप आती है, यानी अगर 47,300, 47,200 तक प्राइसेस मिलती है, यानी स्पॉट गोल्ड अगर 1780 से 1775 के बीच देखने मिले, तो वहाँ पर ख़रीदारी की जा सकती है। अपसाइड में दोबारा $1,815 यानी जो डोमेस्टिक मार्केट में 48,250 से 48,300 तक के लेवल देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वहीं चांदी में भी बढ़िया तेज़ी है, क्लोजिंग भी अच्छी देने में कामयाब हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही गहरी गिरावट हो, कि ये हो सकता है कि 64,500 से 65,000 के बीच आके बाज़ार रुक जाए, यानी करंट प्राइसेस है लगभग ₹1,000 की एक नरमी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में करीबन 68,000 से 68,500 यानी $26 के करीब प्राइसेस जो हैं जाने में कामयाब हो सकती हैं। तो जो निवेशक हैं वो इस डिप का फ़ायदा उठा सकते हैं लंबी अवधि के लिए पोजीशन बनाने के लिए। वहीं हमने बेस मेटल्स में देखा काफ़ी उठापटक का दौर देखने मिला, जहां पर जिंक 325 से फिसलकर 284 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पर कॉपर ने भी 812 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे वो टेस्ट करने के बाद पिछले हफ्ते 760 के करीब की क्लोजिंग दी है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने मिला, और वो शायद ज़रूरी भी था क्योंकि काफ़ी हद तक दाम जो थे वो ओवरबॉट हो चुके थे या हीटेड हो चुके थे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ओवरऑल जो रुझान है वो अभी भी तेज़ी की तरफ है, यानी कॉपर में निचले स्तरों पे यानी 750 से 740 की रीजन में लगता है दोबारा बाइंग एमर्ज होगी, और अपसाइड में इमीडिएट तौर पर 785 और उसके बाद में दोबारा 810 से 812 के लेवल हमें आने वाले 2 से 3 हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। वहीं M6 जिंक पर भी 275 से 272 रीजन में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। हो सकता है कि शुरुआती दौर में अगले हफ्ते के एक या दो दिन ये जो करेक्शन है ये एक्सटेंड हो और 272 के करीब जाती हुए प्राइसेस दिखें, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि दोबारा 305 से 307 तक के लेवल हमें जिंक में भी देखने मिल सकते हैं 2 से 3 हफ्तों के पर्सपेक्टिव से। वहीं बाकी बेस मेटल्स में खास करके एल्यूमिनियम में भी हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी, जहां हमारे जो पहले के लक्ष्य थे 250 से 52 के वो हासिल हुए थे, इनफैक्ट 257 से 58 तक भी रैली एक्सटेंड हुई थी। उसके बाद हमने काफ़ी हैवी सेलिंग आते हुए देखी है, 230-231 के करीब जो
नियर मंथ है वो क्लोज दिया है। ऐसा लगता है कि अपसाइड में फिलहाल 235 से 36 का रेजिस्टेंस बाजार लेगा और शुरुआती दौर में 225 तक के स्तर भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो 3 से 4 दिन के व्यू से एक बार उछाल पे बिकवाली की जा सकती है एल्युमिनियम में, लेकिन ये ज़रूर है कि 225 से 223 के रीजन में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और हो सकता है कि दोबारा वहाँ से हमें लंबी अवधि के लिए तेज़ी बनती हुई दिखे। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म रुख जो है एल्युमिनियम में सेल का रहेगा, लेकिन डाउनसाइड जो होगा वो यहाँ से लिमिटेड लगता है 225 तक और उसके बाद लंबी अवधि की तेज़ी दोबारा शुरू हो सकती है। वही निकल में हमने देखा काफ़ी उठापटक, अगेन हमने देखी कि एक वॉलेटिलिटी देखने मिली, 1620 के ऊपर के स्तर देखे गए और उसके बाद 1560 के करीब की क्लोजिंग भी है। ऐसा लगता है कि 1530 से 40 की एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जब तक इस जोन को प्राइजेस होल्ड कर पा रही हैं दोबारा एक उछाल देखने मिलेगा 1595 से 1600 तक का। तो शॉर्ट टर्म बेसिस डिप पे एक बार बाइंग की जा सकती है और अपसाइड में 1600 तक के लेवल दोबारा देखने मिल सकते हैं। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी भारी एक्शन रहा, हमने देखा कि कच्चा तेल जो है जो कि वेडनेसडे को जो डेटा आए थे, यानी जहां पर गैसोलीन डिस्टिलेट और क्रूड ऑयल के इन्वेंट्री में काफ़ी हैवी गिरावट हमें देखने मिली, तो उसके बाद हमने निचले स्तरों से क्रूड ऑयल को रिकवर होते हुए देखा और बार बार हम ये देख रहे हैं कि 6100 से 6050 के करीब आकर एक उछाल देखने मिलता है और दाम जो है वो 6300 तक आ जाते हैं। और इस हफ्ते का क्लोजिंग भी काफ़ी बढ़िया रहा, 6280 के करीब नवंबर वायदा ने क्लोजिंग दी है। ऐसा लगता है कि 6300 के ऊपर यदि सस्टेनेबल ट्रेड देने में कामयाब हुआ तो 6450 तक की तेज़ी एक्शन होगी, यानी तेज़ी का रुख जो है वो बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं नेचुरल गैस में हमने काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखी है, 370 के नीचे के स्तर देखे गए थे और वहां से हमने 403 तक के हाइज भी देखे, हालांकि जो क्लोज है वो 390 के करीब दिया है प्राइसेस ने। ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस में ये जो तेज़ी है शॉर्ट कवरिंग की तरह ली जा सकती है, इसलिए अपसाइड जो होगा लिमिटेड होगा। तो आने वाले एक या दो सेशन में अगर 405 से 407 के लेवल दिखते भी हैं तो वहाँ पर एक बार बिकवाली की जा सकती है। 420 के जब तक नीचे रहेगी प्राइसेस तब तक उछाल पर बिकवाली कर सकते हैं और डाउनसाइड में 382 और उसके बाद 370 के लक्ष्य जो है वो दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि आने वाले कुछ सेशंस में हमें नॉन एग्री कमोडिटीज़ में क्या रूप देखने मिल सकता है। धन्यवाद।